रेड बटन दबाकर सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड फैक्ट। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है इज सिविल इंजीनियरिंग इजी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट भी हैं और जो स्टूडेंट भी हैं और जो स्टडी करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग को तो वो उनका यही क्वेश्चन होता है कि सिविल इंजीनियरिंग इजी है या फिर हार्ड है। ठीक है, तो ये हमारा दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक स्टूडेंट वो हैं जो स्टडी कर रहे हैं और वो एज ए प्रोफेशन पूछते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जॉब करना इजी है या हार्ड है। ठीक है, और एक बहुत है जो अभी ट्वेल्थ कर रखा है और जो अभी स्टडी कर रहे हैं, अपना है अपना कॉलेज लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी उन्हें जाना है, तो वो ये सर्च कोशिश करते हैं कि क्या सिविल इंजीनियरिंग स्टडी करना इजी है या हार्ड है। ठीक है, तो ये हमारा दो तरह का क्वेश्चन होता है, तो एज ए प्रोफेशन और एज ए स्टडी, तो लेकिन दोनों का आंसर हमारा सेम ही होने वाला है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं और या आप स्टूडेंट हैं और सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि उसका नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको आपके फ़ोन पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हमारी वेबसाइट है www.civilengineeringfacts.ml, आप इस पर जाकर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, नोट्स भी हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर एक बार विजिट कीजिए और वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे जॉब की लिंक मैंने वहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो गाइस देखिए, हमारे दो तरह की है, जैसा आप मैंने एक लाइन लिख रखी है, नथिंग इज ईजी नथिंग इज हार्ड। ठीक है, ये डिपेंड करता है एज ए इंडिविजुअली पर्सन पर कि वो है कैसा। ठीक है, अगर आपको अपना सेल्फ बिलीव है दैट के सिविल इंजीनियरिंग मैं कर सकता हूँ, यकीनन अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास अगर टेक्निकल ड्राइंग की नॉलेज है, विजुअलाइजेशन, सिंपल नंबर्स और बेसिक मैथ और आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप यकीनन आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग एक ईजी होने वाली है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहें आपके पास फिजिक्स हो, मैथ्स हो और कोई भी कोर सब्जेक्ट हो सिविल इंजीनियरिंग के, तो इसमें हमारी ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास ये सारी बेसिक नॉलेज नहीं है जो मैंने बताई है, ना ही आपके पास विजुअलाइजेशन है, ना ही आपके पास आईक्यू है, ना ही आपके पास कॉमन सेंस है, ना ही आपके पास बेसिक नंबर्स की नॉलेज है, ना ही आपके पास ज्योमेट्री नॉलेज है, ना ही आपके पास का मैथ स्ट्रांग है तो आपके लिए, और ना ही आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव, आपका माइंड क्रिएटिव भी होना चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं अच्छे। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपके लिए यकीनन सिविल इंजीनियरिंग एक डिफ़िकल्ट फील्ड होने वाली है एज ए स्टूडेंट भी और एज ए प्रोफेशन, अगर आप उसको सिविल इंजीनियरिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। ठीक है, अगर आप ओनली अगर आपको अगर आप एक बुकिश हैं, आपको केवल बुकिंग नॉलेज है, ठीक है, तो यकीनन अगर आप सिविल फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल, तो आपके लिए भी ये चीज़ बहुत ही एक सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग मेन फैक्टर हमारा है एक्सपीरियंस। ठीक है, हम पहले प्रोफेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास, देखिए क्या होता है, बुकिंग अगर आपका सब कंपनीज जो होती हैं वो फ्रेशर लेने के बजाय वो उस बंदे को ज़्यादा रिकमेंड करती हैं, ज़्यादा हायर करती हैं जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। बुक तो सबने ही पढ़ रखी होती है, एक फ्रेशर इंजीनियर बुक्स पढ़कर आया होता है और एक जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसने वही बुक पढ़ रखी होती है जो फ्रेशर ने पढ़ रखी होती है। तो मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर हमारा होता है फील्ड में उसको कितनी नॉलेज है, मतलब प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम बुकिश नॉलेज आपके पास ओनली है तो आपको एक अच्छे इंजीनियर नहीं हो सकते, आपको जॉब मिलना बहुत ही डिफ़िकल्टी का फेस करनी पड़ेगी अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए आप सिविल इंजीनियरिंग कर भी रहे हैं, ठीक है, तो आपको आपसे कंप्लीट करने के बाद आपको ये नहीं देखना है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है, अगर आपको 10-15 हज़ार कितने में सैलरी मिल रही है तो यकीनन आपको स्टार्टिंग में ज्वाइन करना होगा ताकि आप 1-2 साल को आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्कोप है, आप किसी भी कंपनी में ट्राई कर सकते हैं।
तो यकीनन अगर आपके पास स्ट्रांग, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी स्ट्रांग है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन फैक्टर हमारा ये पड़ता है अगर कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा। ठीक, अब हमारे यहाँ तक कि दो तरह की लाइन होती है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में एज ए साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, बट आपको अपनी स्किन वगैरह का बहुत ज़्यादा अगर आपको होता, आप फेस नहीं कर सकते, तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग एक हार्ड होने वाली है। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप ड्राइंग, आप डिजाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा पेमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक अच्छे क्रिएटिव नहीं हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा आप एक अच्छे साइड इंजीनियर बने, और इन फ्यूचर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा, एज ए ग्रोथ ज़्यादा होता है एज ए डिजाइनर इंजीनियर में। ठीक है, तो चलिए एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा पहले, एक मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरे मेरे टीचर्स थे वो हमेशा कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो बेस्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है नेचर। ठीक है, अगर आपको नेचर का, नेचर की नॉलेज है, तो आप नेचर से प्यार है, तो आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। और वो कहते थे अगर आप कहीं भी बस में जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो आप विंडो से देखिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि बाहर का नज़ारा कैसा है और हमारे क्या क्या लोकेशन वहाँ पड़ती है, कैसे कैसे किस क्या चीज़ बनी है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, तो आप रेलवे स्टेशन के रूफ को देखिए, रेलवे स्टेशन को देखिए कैसा बना है, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर होते इसको कैसे डिजाइन करते। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको एक क्रिएटिव माइंड बनाती हैं, जिसके बाद आपके माइंड में नए से नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक, तो आपके सबसे पहले तो यही बात आती है हमारे कि सबसे पहले आपको एक क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा सिविल इंजीनियर बनने के लिए, और आपको फील्ड के लिए डेडिकेशन होना चाहिए आपको। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे हैं। तो सबसे आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या इस चीज़ के लिए रेडी हैं, आप क्लाइमेट से लड़ने के लिए रेडी हैं, क्या आप, आपका माइंड क्रिएटिव है, तभी आप सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ठीक है, और जैसे कि पिछले जमाने में ऐसा होता था कि ताजमहल जो हमारा उस टाइम पर था, हमारा ऑटोकैड भी नहीं था, ना स्टील सीमेंट से बना था, फिर भी वहाँ ताजमहल ऐसा बन चुका है कि वो अभी सेवन वंडर्स में आता है। ठीक है, तो ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये भी सिविल इंजीनियर थे, उस टाइम पर ऑटोकैड भी नहीं था, तब भी उन्होंने ऐसा बिल्ड किया। तो गाइस, वो क्रिएटिव माइंड उस टाइम पर भी, ठीक है। तो अगर आप तो ये सो लास्ट में यही कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि सिविल इंजीनियरिंग ना ही ईजी है और ना ही हार्ड है। ठीक है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली पर कि वो कैसा है। अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड है, तो यकीनन आपके पास डेडिकेशन है, आप इन सारी डिफिकल्टीज का फेस कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर होंगे। और मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं लाइफ में अगर अगर दोबारा से अगर मुझे चांस मिले, तो मैं सिविल इंजीनियर बनना ही रिकमेंड करूँगा अपने लिए। तो गाइस, होप आप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका ये इस तरह की कोई भी अगर उसकी थोड़ी मिथ्स है उनके माइंड में, तो ये निकल दूर हो जाए। ठीक है, तो ये तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।